एक मिनट चला देखूं मैं मारा मैं सारा देख चला दे भाई बीच में कनाई जो नहीं एक तो और तो करो आज नाले ऑटोमेटिक करो राम राम भाईओ, जय देव नारायण भगवान की जय। ये जोधपुर 4 बजे दहम हम यहाँ पधारे। मकसद तो आपको सबको पता ही होगा किस कारण हम यहाँ पे आए। बात ऐसी थी दोस्तों, 31 तारीख की बात थी। भरत जी थोड़ा और पास ना जाए कि उनकी समझ में आएगी। 31 तारीख की बात थी, प्रोग्राम था बप्पूरी गांव में, बप्पूरी गांव प्रोग्राम था। दिलकुश खाट का था, मेरा था, और बहादुर सिंह जी मार साहब भी थे वहाँ, और एक मुकेश नेता भी था। तो दोस्तों इंदिरा जी मीणा आए थे वहाँ पे, विदाई, बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था। दिलकुश ने माइक उठा के और सॉन्ग चालू कर दिया, पब्लिक की फरमाइश थी दोनों कलाकारों की, गुजर मीणा गाओ बोले, ठीक है। गाने लग गए, गाते गाते उसने मेरे को ये बोला, मैंने उसको बोला, जो भी माता पड़ी हुई 3 पॉइंट की हुई है, मैंने उसको बोला था भाई ये बात थी वह, हाँ कोयल बैठी रंगमला में बाट नाड़ गिरंडवा के खां तक मुंड लागू मार दो गलू गाय बैठी जी, ये मेरा मैंने गाया था। तो उसने गाया वर्ल्ड, भाई मेरे को तेरी गुजर जाती में फेरा दे दे, नारियल दे दे, गुजर समाज में नारियल दे दे, मेरी शादी गुजर समाज में करवा दे, ये बोला उसने। हाँ, उसका कहने का मतलब ये था कि उसकी शादी में मेरी गुजर समाज में करवाऊँ। अगर मान लो मैं ऐसे बोलता था भाई मीणा समाज मेरी शादी करवा दो तो क्या होता, ऐसा मैंने तो नहीं बोला ना। दूसरी बात तो करा कि आदलवड़ा की बात, पंतराज ने बोला भाई तेरी शादी आदलवड़ा में करवा दो, आदलवड़ा मीणा नहीं है क्या, आदलवड़ा मीणा नहीं है क्या, तो ये गलत बात है और गलती की सिंगर ने। दूसरी बात, हम सबसे बड़ा चारों धाम देवनारायण भगवान मंदिर को मानते हैं, आज उसके आंगन में हम विराजमान हैं यहाँ पे, उसकी कसम का के कहता हूँ, अगर मेरे किसी ने हाथ लगाया वो तो उस प्रोग्राम में, और वो पिट के गया ये दुनिया को पता है इस बात का, पृथ्वीराज बोल रहे सब दुनिया को पता है, चाहे कमेंट में आप अभी आज आप आ जाएगा, जिन लोगों ने देखा वो कमेंट कर देंगे तो उसकी ये औकात नहीं है गांडू की जो मेरे हाथ लगा सकता हो। मैं साथ मेरे भाई के कोई आंगले भी नहीं लगाया, हाथ भी नहीं लगाया, मैं जब तक बुलट पे बैठाना था जब तक मैं साथ था कोई ने किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। और दिल को खाड़, तेरे दिमाग में कोई गर्मी हो तो उसको निखाड़ देना तू, ये तेरे को मैं आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि तूने पहले भी 3 सिंगरों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। बढ़िया तू क्या है, क्या तू तेरे से ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या बीमारी तेरी, सिंगर कैसे है तू, सिंगर है क्या तू, कहाँ से है सिंगर तेरे वैसे पूछ रहा हूँ, कौन से डीजे पे तेरे गाने चलते हैं, तू सिंगर है, हैं तू तो बाबा गैंग का गुंडा है, दुनिया को पता है गुंडा है तू, तेरे को यहाँ से इधर चल जाओ टोंक, इधर चल जाओ निवाई, इससे आगे तेरे कोई नहीं जानता, मंदराज राजस्थान में फेमस है। दूसरी बात दोस्तों, इन्होंने एक स्कीम अपना रखी है, स्कीम ऐसी अपना रखी है इस मीणे ने, ये क्या करता है, जो भी कोई सिंगर होता जो ऊँचा चल रहा हो, पहली तो बात ये थी जैसे डीजे किंग की बात करते हो मीणा में, तो डीजे किंग तो कमलेश और राजू मीणा, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसने क्या किया, ना तो इसका कोई गाना वाना चला पहले डीजे पे, खूब गा लिया, खूब बढ़ा लिया स्टूडियो में, इसकी कोई पार पड़ी नहीं। तो एक इसने एक स्कीम लगाई, सुरेश सोनंदा बढ़िया चल रहा था उस टाइम की, तो सुरेश सोनंदा के ऊपर इसने गाना निखाड़ दिया स्टूडियो में, बढ़िया चल रहा था, उसके साथ फेमस होने के लिए गाना निखाड़ दिया तो उससे भिड़ता रहता था। फिर आ गया कमलेश मार्केट में, तो कमलेश ही भिड़ने लग गया, अब मेरे पीछे पड़ रहा है। जब मैं इसको ऐसे पूछ रहा हूँ भाई तेरी प्रॉब्लम से मेरे तेरी मीणावाटी से मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरी गुजरवाटी की मेरे लिए खूब है, हर रात जो ऐसे बोल रहा हूँ, वो जो मेरे छोरे थे कमेंट कर रहे थे कुछ भी कर दिए होगे, तो उसको तू बाबा गैंग वाले धमकी दुआता है तो मैं उठवा दूंगा,
मंदराज को, मेरे को तो ने सब्जी का ठेला समझ रखा है क्या? हाँ, तेरे भूदड़े बग जाएंगे, ध्यान रख लेना इस बात का। तेरे गलत दिमाग में गलतफहमी हो तो निकाल देना। मेरे समाज नहीं है, मेरे परिवार नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं है, गांडू बोलता क्यों नहीं है तू? अगर लाइफ पे जुड़ रहा है तो सुन मेरी बात कान खोल के। अगर तेरा बाप का मुँह तो तू असली मीणा का, तेरा बाप का मुँह तो गुजर के लिए मेला लगाना पड़ता है। अब तू मेला लगा, मेला मतलब प्रोग्राम तू करवा, पैसे मैं दूंगा तेरे को। अगर गांडू तू मेरे से जीत के चल गया ना वहाँ से, तो मैं संन्यास लूँगा, गाना नहीं गाऊँगा। लेकिन उसमें एक शर्त रहेगी गांडू, सुन ले मेरी बात। जैसे तेरी मीणावाटी की धुंध को मैं गाऊँगा, तेरी मीणावाटी की धुंध को मैं गाऊँगा, अगर तूने गुजरवाटी की धुंध नहीं गाई मेरी, तो तेरे को मारता मारता खाट लेके जाऊँगा। खाट लेके जाऊँगा और खाट में भी खाट में पटाखे मारूंगा तेरे को, वहाँ ले जाएगी। ध्यान रखना इस बात का। बीमारी क्या तेरी जानता क्या तू? हैं, तू हर कोई सिंगर कोई बदनाम कर देता है, तू दुनिया को पता है इस बात का भाई? तू पिट गया है वहाँ पे। तू एक बात मैं तेरे वैसे पूछ रहा हूँ, मंदराज कोई हाथ लगा सकता है क्या? गांडू जब मेला प्रोग्राम से घर से निकलता है ना मंदराज, तो घर से लेके प्रोग्राम तक लाइन लगी रहती है रोडों पे। भाई मंदराज आ रहा है वहाँ पे, तो मेला तो मंदराज लगाता है, तू तो मेला में दुकान लगाता है, वहाँ जाके तेरे दो पिल्लों को लेके पहुँच जाता है वहाँ, तो किसी की बदनामी करने के लिए। तेरी कोई इज्जत है कैसे पूछ रहा हूँ मैं तेरे को? रोता फिरता बहन चंद माधोपुर के गले गले में बाबा गैंग के साथ में। दूसरी बात, अभी तेरे को टाइम दे रहा हूँ, सुधर ले, ये बात अच्छी बात नहीं है। और ये क्या कह रहा था कल लाइव में बता रहा था, हाँ ये क्या कह रहा था कि जब भी जाता है, जब भी इसकी पार पड़ने वाली नहीं होती तो ऐसे लड़ता है। तेरे को एक बात में इसे पूछ रहा हूँ, तू राजू से बड़ा सिंगर है क्या? राजू का प्रोग्राम मेरे साथ बगड़ी में था, कुछ हुआ क्या तेरे को? ऐसे पूछ रहा हूँ। कमलेश छिणोले ने मेरे साथ 3 बार प्रोग्राम कर लिया, कुछ कोई बात हुई की कोई बात है? और तेरे में तेरे को खाट बिल्कुल खाट 5:30 बजे छोड़ा था तेरे को मैंने आमले में, तो हाथ जोड़ा था मेरा, बैठ गया यार मेरे उसमें, छोड़ यार जाने दे, 5:30 बजे छोड़ा तेरे को आमले में। दुनिया को पता है वो प्रोग्राम यूट्यूब पर डल रहा है। गांडू कहाँ से बोलता है तू? वो दूसरी बात, वो नान तक कहाँ पर आज कौन सी जगह था प्रोग्राम? नानता गाँव में गड़वी उसने दी, नानता गाँव में इसने क्या चार्जिस रची इसको पता है? दोनों कलाकार मेरी बगल में खड़े हैं, एक तो इधर तो मुकेश नेता खड़ा और इधर ये खड़ा, दोनों की पार नहीं पड़ रही आज, चाहे यूट्यूब पे खोल के देख लेना आप। तो इसने क्या स्कीम लगाई? इसने बोला कि मेरे को नीचे से कोई आदमी गाड़ी बक रहा है, तो नीचे वाले आदमी को माइक इंस्ट्रूमेंट बंद करा के रही गाड़ी बकने लग गया। अब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ भाई साहब आपको, अगर धोनी बगलों में साउंड लग रहे हैं, धोनी बगलों में साउंड लग रहे हैं और साउंडों की आवाज़ बहुत भयंकर है, धोनी कलाकार गा रहे हैं, तो ये नीचे अब आदमी जो गाड़ी खाड़ रहा है वो ही सुन गया? मैं तो नहीं सुना, इतना अटपटाहट में गाड़ी सुन गए हैं? तो इसने रोक के साउंड इंस्ट्रूमेंट को डांट के, और गुजरात को कोई छोरा था नीचे उसको गाड़ी बग दी, वहाँ भी जूता खाता में बचा के लेके आए इसको, पूछ लेना हैं? ऐसी अच्छी बात नहीं है गांडू, सुधरना सुधर जा, मुसीबत खड़ी हो जाएगी तेरे लिए, ये तेरी और बता रहा हूँ मैं। तू कुछ भी नहीं कर सकता मेरा, मंदराज की तो तू बात ही मत पूछ, मंदराज के बीमारी तेरे को पता चलेगा ही नहीं भी तुझे। और तू ऐसे रात लाइव आ रहा था, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था तू, वो सब मेरे को मालूम चल गया। देवनारायण भगवान के सामने कसम खा के कहता हूँ, मैं हमारे साथ में कुछ नहीं हुआ, बाकी तेरे साथ कुछ हुआ वहाँ पे, ये हमारे को पता है। और दूसरी बात, तू क्या कह रहा था कि जब मैं तो मेरी मजदूरी लेके सुबह आया हूँ? गांडो तेरे बाप के पास है नहीं, तेरा बाप इसके पास प्रोग्राम नहीं जाता तो उससे पहले मजदूरी डल जाती है, ध्यान रखना इस बात का। अब तू क्या करेगा? तेरे पुत्र में तेरे प्रोग्राम जाने का मेरा शौक है क्या? मैं तो मजबूरी में जाता हूँ, मजबूरी में इसलिए जाता हूँ भाई, मेरे से डर के भाग है। ऐसी बात आदम तेरे कैसे पूछ रहा हूँ मैं, स्टूडियो में पैसा कितना लगता है? कभी रिकॉर्डिंग में गया है तू? हाँ जाना कभी? और दूसरे आदमियों के साथ में चले गए भाग के निकल जाता तो वहाँ जाके बदनाम कर देता स्टेज को। ऐसी बात नहीं, मेरी बात सुंदर, कलाकार रिकॉर्डिंग करता है कैसे लगते हैं वहाँ पे, और तू उनको सागे सबके स्टेज पे जाके पानी फेर देता है। तेरे को पता है क्या, अभी तक आधे दिन तक तो उन्हें 10-5 सॉन्ग तो लिखा रहा है क्या, जिससे कोई ड्राइवरों की टाइम पास हो जाए? हैं, एक बात मेरे को ऐसे पूछ रहा हूँ, तू फेमस हुआ कैसे? फेमस तो ऐसे हुआ, चाची सिंह फेमस के कलाकार के साथ लग जाता है और लड़ाई झगड़े का ढांचा करता है, इसलिए तो फेमस हो गया। हमारे तरह 600 गाना भी कर लिखे गाना तो उसके बाद मैदान में आना, फिर दुकान को समेट के खाट बैठ जाओ, वरना वहीं आके खाट पहुँच चुके हैं यहाँ पे। ये बात है, तेरी बीमारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, तो किसी को कुछ नहीं समझ रहा है, ऐसे ही तो
कमलेश को बेइज्जती करता रहता है तू, वो छोरा वो सोनंदाड़ा के लिए पड़ जाता है तू, हैं तेरे में कोई संस्कार कुछ है कि नहीं है? अरे तू क्या कर रहा था, कैसे दो पाँच पौआ सबों को पकड़ के लाए पा गया? गांडू तेरा बाप वहाँ लाए पाया था प्रोग्राम में, और मैं तो पब्लिक में रहता हूँ, और वापस जाके मैं वापस जाके तेरी खाल खाड़ने भाग रहे थे वो, तो मैंने उसको जाके बिना साउंड समझा के आया हूँ जाके मैं वहाँ पे स्टेज पे, ना तू कमरे में चढ़ रहा था ना, कमरे में वहाँ चढ़ रहा था, तेरे जूते पड़े थे नीचे, ट्यूब लाइट की मार दी तेरे छोरे ने, फिर तू भाग के चढ़ा था ऊपर, चढ़ा था ना वहाँ पे, मेरे को पता नहीं है क्या चढ़ा था ना वहाँ पे, बोल दे महाराज की जय। ये तेरे बाप वहाँ पूछ रहे थे तेरे पास, मैंने इनको डांटा, और तू ये मेरे पे ना क्या बोल रहा तू पवा साहब, मेरे तेरे को से पूछ रहा हूँ, अब सबसे बड़ी पब्लिक है, तो मैं तो हर बात कहूँ तो पब्लिक में आए कहता हूँ, तेरी पब्लिक कहाँ है, तू तो कमरा में पौआ पी के वो लाए पा रहा था, पौआ पी के लाए पा रहा था, तो कमरे में रात अंधेरे घर में, वहाँ वो कमरा है तेरा फैन भाई, कमरा तेरा फैन है कि मैं तो मेरे फैनों के बीच में लाए पाऊँ, और मैं तो कहूँगा बैंड में साफ बात बताता हूँ, मैं तो मगर गूजर जाती है खून मेरे अंदर है, गाना मेरे साथ समाज सुनती है, सबको मैं भी चाहूँ, लेकिन मैं तो मेरी जाति के खिलाफ तेरे गलत नहीं बोलने दूंगा, गलत बोलेगा तू तो पिटेगा, ये तू तो हमारे यहाँ से पिटेगा तू, ये कान खोल के सुन ले तू, अरे तेरी बाबा गैंग ये कुछ नहीं करने वाली भाई, हम गुजरे गुजर नहीं नहीं, अरे बाबा गैंग ने उठा लिया होगा तेरे उठा लिया, जो बोलते हो महाराज की जय। अगर तेरा बाप का मुंह तो प्रोग्राम का पैसे मैं दूंगा, वो जो मैं तेरे को काम बता रहा हूँ कर लेना, तो फायदा रहेगा, और वो राजू अब मेरे समाज में तो बहुत है लेकिन मीणों में तो दो ही हो, अरे वो चौड़ा काना क्या बोल रहा था मुकेश, तू कौन सी पार्टी का नेता, कहे का मुकेश नेता, तू कांग्रेस है बीजेपी है, प्रोग्राम बुलाता है नान होता काम कौन बुलाया तेरे को, रात वाला में कौन बुलाया था तेरे को, इज्जत है कि नहीं है, उठाया जोड़े झंडा डगर गया, शर्म कर थोड़ी बहुत शर्म, अब मैं आज खुले में करा बोला, बोल तू क्या कर लेगा मेरा, मैं तो हूँ मेरे समाज का शेर हूँ, बोल क्या करेगा तू, खेल लो लटमार होली बड़ा मत में तेरे को समझा रहा हूँ, पहले तो बात बात में बार बार में बार बार में आरक्षण की बात लेके आता था, अब आरक्षण मिल गया तार दादा ने नौकरी लगा दी, तार जीजे लगा दी, तू कर दे तू बार बार में समाज की बात बहुत चिढ़ता, तो फिर तू रंडवा क्यों डोल रहा, तेरी समाज तेरे को पढ़ना आती नहीं क्या, अरे पैसे लेती है भाई पैसे, पैसे लेती है नचवाग, रंडवा क्यों डोल रहा तू, जब तू तेरी समाज में मरता है तो रंडवा क्यों डोल रहा तू, शादी कर ले, मैं तो शादी शुदा हूँ, मेरे तो बच्चा बच्ची है, और मैं साफ कहता हूँ मैं तो अनपढ़, तू तो पढ़े लिखे है, शादी कर ले, तूने पढ़ाई कर रखी बताई पूरी, फिर क्यों रंडवा डोल रहा है, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम में पता है, मैं अंदर के बात बताऊं तुम्हारी शादी क्यों नहीं होती, ये बीमारी को दूर हटाने में फायदा रहेगा, और मेरे छोड़ो जी नहीं कोशिश मत कर, मामला भारी पड़ जाएगा, ध्यान रखना जो बात है, उस पठान रात बहुत कमेंट कर रहे थे, तो तेरे फैन क्या कह रहे थे कि उसके साथ मत गाना, हमारे को पता है कि मंदिर कहाँ तक जाता है गाना, नहीं वो ऐसे कमेंट कर बात करते थे, तारी खाट में रख ले प्रोग्राम को, तारी खाट में रख ले प्रोग्राम, वहाँ कर ले तारा घर कर ले प्रोग्राम, फिर तू बुला ले जाओ, बुला ले जाओ, ये बीमारी बंद कर दे, मैं तेरे को राजी समझा रहा हूँ, राजी यहाँ में लटमा रोल कर रहे तो घंटिया जाए जिमा का तेरे में कुछ तो है नहीं, तेरा एक वीडियो मेरे को ऐसा बता जिसमें तू बढ़िया लोग कोई भी गीत गा रहा हो या अकेला जिंदगी में तेरे लायक आया होगा तो मेरे साथ में प्रोग्राम करे, उसमें आया होगा ना जिंदगी में, तो
और मैं तो सुन गंडक मेरी बात, तो मैं तो गुजरवाटी में जन्म के तेरे टक्कर ले रहा हूँ, मेरी गुजरवाटी राग गालेगा तो जिस दिन तेरी खाट की चारों पाके टूट जाएंगे, ये मैं रोज बता रहा हूँ तेरे। हमारे कुछ नहीं है वहाँ, गांडो है कुत्ते हैं, कुत्ते तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, बाल बाल उखाड़ो ऐसी बताएं इनको मत डाला कर, कुछ क्या करा था कि उखाड़ लेना कुछ उखाड़ जाए, खाल का इतने उखाड़ते हैं जल्द मोचे ना के खनाओ काम कर लेना, तेरे आसर लगी तो मैं तेरे बताया था ना भाई गुजर के लिए मेला लगाना पड़ता है, एक बार प्रोग्राम करा लो दोबारा पैसे मैं दूंगा, लेकिन मैं गया जो तू नहीं गया तो वहां से मारता खाट छोड़ गया तेरे पैदल बगाऊ रोड पे फिर डायरेक्ट नर नर भी गेला जाता हूँ उसमें बगा ले जाऊंगा तेरे, गांडू शर्म नहीं आती तेरे वो नकटे क्या क्या करते क्या क्या डाल रहे थे बोलना है बात करना डाल रहा था ना नानते की वहाँ भी लड़ाई करी इसने गाली दे रहा था अपने फैनों को वहाँ भी तो इसने गलती की थी अपने ने थोड़ी की थी गलती स्टेज पे कौन सुनता है स्टेज पे ऊपर प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ कौन सुन रहा है नीचे जो आदमी चिल्ला रहे कौन सुन रहा है इनके भी मीने के भी आदमी थे गुजर भी थे वहाँ पूरी समाज थी हमारे लड़के बोल रहे थे इनके बोल रहे थे अपने कुछ बोला वहाँ पार नहीं पड़ी तो वहाँ भी ऐसे करा इसने वहाँ पे भी भगा था पेमेंट लेके हम आए थे वहाँ से भगा था जो ये ना इसी की वजह से जाते हैं भाई ऐसे बोलेंगे कल यहाँ पे प्रोग्राम नहीं करता है ना इधर के प्रोग्राम तो आता है नहीं ऐसे बोल रहा हूँ तेरे को अब चलो कल उसी गांव में प्रोग्राम रख लेते हैं और देना तो अकेला जाए इतनी भीड़ हो जाएगी वहाँ पे है तू गुंडा दे रहे हो देखने कौन जाएगा वहाँ पे दिल लोगों के दिल तो हमने जीता जैसे कमलेश में साफ कहता हूँ होगा तेरी काट का होगा वो कमलेश इन्होंने राज मीणा ने इन्होंने जीता लोगों का दिल मेरी समाज बहुत कलाकार उन्होंने जीता वो था जो कोई शादी ब्याह में जाए वहाँ तेरे घाना चल रहे हो तो पब्लिक उसको दे के जाती अब यार मैं तो हूँ अब मेरे को दुनिया को पता चलता है भाई मंदराज वहाँ आ रहा तो क्या क्या लेने जाएगा यार वो गाना गया था ना वो सिंगर आ रहा है वहाँ पे दे के आएंगे प्रस्तुति और तेरे को क्या दे के जाते बताऊँ तेरे को और वो लड़ता ना सिंगरों से वो आ रहा है वहाँ पे तो लड़ना बेटे मेरी बात सुन तू गांडू ये गुंडों का काम है सिंगर लड़ता नहीं स्टेजों पर तू तो लड़ना काम करता 24 घंटा कौन सी भगवती कथा गा दी तूने आज दिन तक कोई सा वीडियो देख लो तू हर एक कलाकार ही दतरा तू तेरा मन जमा रहा है ऐसी अच्छी बात नहीं और क्या बता रहा था मनीष जी बात करना है मनीष भाई बोलो बात बता रहा था कि चैलेंज दे रहा था कि ये तो और कुछ गाता है इसकी कड़ियाँ एक भी समझ में नहीं आती समझ में नहीं आती एक कड़ी दिल्ली जाती एक बॉम्बे जाती ऐसी बात है तो भाई इस बात में फायदा नहीं है तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरे को दुनिया क्या तो जोड़े झंडा उठा के मैं कर रहा हूँ तेरे समाज का बता रहा हूँ भाई उसी में चलते गाने तो तू क्या भाई क्या बीमारी तेरी क्या क्या तू कौन सा सिंगर है तू तेरे गाने चलते हैं तो करे कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे दोस्तों सुबह इसकी अफवाह है इसकी यही काशी थे ऐसे ही करता है मेरे हाथ लगाएगा तो इतना पता नहीं क्या होएगा तेरे खुद को पता है इस बात का और तू क्या कह रहा था कल लक्ष्मण सिंह रावत करंट की बात बता रहा था मैंने कहा कि मेरे मुँह से भाई उसने मेरे कंट लगाया नहीं कहा ना मैंने तो तू कह दे तू बिड़ ले उसे मैंने तो यही कहा था भाई मेरा मुंह आगे था पता नहीं कैसे आया पीछे से मेरे को पता नहीं मेरे उस चीज का बिल्कुल पता नहीं है कैसे करंट आया कैसे नहीं आया इसी बात है शोक कल्याण जी अंडे 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 और क्या क्या सीधा देख रहा है कौन क्या करता है इनका म्यूजिक उधर चल रहा है मुझे अपनी अपनी ले गए मुझे म्यूजिक अगर तूने दोबारा ये तेरे को और बता रहा हूँ मैं जो भी कहे मेरे बारे में कह लेना अगर मेरी समाज के बारे में तेरे को बता रहा हूँ उनसे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं कलाकार सब समाज का होता है तेरे को समझा देता हूँ मैं गांडू अगर तूने मेरे समाज को गाड़ी दी ये तेरे को समझा देता हूँ मैं तो चाहे चंबल की भीड़ में उतर जाऊँगा ये तेरे को और बता रहा हूँ मैं लेकिन तेरा हाल बुरा हो जाएगा नहीं इनके जो इनके इसके फैन है ना वो फेसबुक पे कल डाल रहे थे
कुछ गलत चीजें हमारे नहीं है क्या, हम नहीं डाल सकते क्या? हमारा तो नहीं डाला कोई छोरा, जाति इनके है क्या, हम नहीं डाल सकते क्या? हम भी तो डाल सकते हैं ना हर चीज। और हम तो जो दुनिया में दिख रही है बता रहे भाई, तेरे समाज में भी डीजे किंग चल रहे हैं, तू क्या तेरे को जानता नहीं? अरे हमारे समाज में चलते हैं उनके गाने, कमलेश कमलेश सही चल रहा है, अभी लग गए नौकरी, कैसे पर रहा है, पढ़ा लिखा है ना? कमलेश बहुत बढ़िया यार, कमलेश गाते मुस्कुराता, तू तो हमेशा घर से निकलता है लड़ाई का मूड में, आज पलाना गांव लड़ गया हूं। मैं तेरे को फुल चैलेंज दे रहा हूँ, तो चैलेंज दिया, लेकिन मैं फुल दे रहा हूँ तेरे को, प्रोग्राम के पैसे मैं दूंगा, तेरे जमे जा प्रोग्राम करा ले, ढांचा में बैठना चाहता तो ढांचा में आ जा, तू तेरे जमे जैसे आ जा, लेकिन मैं तेरे को एक भजन गुजर की वाग राग में गुवाऊंगा, ध्यान रख, नहीं आया तो फिर तू समझ रही ना क्या होगा। मामला तुम तुम्हारा काम करो भाई, सबकी है गेंगे धन ध्यान धन ध्यान, बाबा गेंगुटी चाल गुजरा में कोई चालती हो ऐसी बात है। हमारे समाज में शंकर जी बदूरी बढ़िया सॉन्ग चल रहे निके भी डीजे पे, इनको पूछ लो ये बात आदन तक, मैं अगर मैं किसी जगह पे कोई गलत मेरा कोई हो तो बताओ, अगर मैंने कोई किया हो तो है? मैंने तो पहली बार डीजे किंग बनाऊ मैं तो, अरे ऑटोमेटिक बनाऊ मैं डीजे किंग, ऑटोमेटिक लगता है तेरे को ये पता नहीं, जब गाना चलते है तो ऑटोमेटिक पहले वहां से मोर उठा वहां लगा दिया, ऑटोमेटिक चलता है। और तू कहता है मैं स्टेज की हूँ, स्टेज की हूँ, तो स्टेज पर कहीं करोगे तू, स्टेज पर कुश्ती कर लो गए, इतने का किंग है ना, स्टेज पे स्टेज को किंग किसी तरीके से तुमने तेरे कैसे बता, स्टेज पे स्टेज पे तो स्टेज ने तो लड़ने का वो बना रखा ग्राउंड, स्टेज किंग बन रहा है, स्टेज क्या कहाँ कहाँ होता है, स्टेज पे तो भगवती भजन चलते हैं पूरी रात, तू गाता है क्या? तेरी जो भी पब्लिक आती है ना, ये मेरे पेनों को मेरे पे ना कोई पहुआ पहुआ मत बोल, मेरी बात सुनो, हम कहीं भी झूठ बोल सकते हैं, बोल देते हैं लोग बात, लेकिन देव नारायण भगवान का मंदिर है, मैं कसम का कहता हूँ, मैं बारह करता है मर जाऊँ अगर मेरे किसी ने हाथ भी लगाया होगा, मेरे हाथ खान लगाएंगे ऐसे बोल रहा हूँ, तो स्टेज से पड़ता पड़ता भाग गया, मैं तेरे सुरक्षा में लग रहा हूँ, तेरे को बचा रहा हूँ मैं, और मेरे को मारेंगे क्या तू, कमरा पे चढ़ के भाग के सुबह तक नीचे नहीं उतरा तू, बिगर साउंड लाइव बनाया था ये भागने के लिए, पिट के भागने के बाद में वो जरूर किसी भाई ग्रुप में डालना सुबह उसको, मैं क्या कह के आया था वहाँ पे भाई, देख बग गया, अरे बिना साउंड में करके आया था वहाँ पे भाई, भाग गया दो दिन पाँच कुछ नहीं, दुनिया सोचेगी तो ये जिम्मेदारी अपन सबकी होगी, अगर अपन किसी ने कुछ किया हो तो वो दोस्त जिसके पास वो चीज हो जरूर डालना, जिसको ऑटोमेटिक पब्लिक को पता चल जाएगा भाई सच्चाई क्या है झूठ क्या है, मैं स्टेज पे जाके आया था पब्लिक को समझा के आया था, और यहाँ तक पुलिस प्रशासन है ना उससे पूछवा सकता हूँ मैं, वो मेरे साथ था, तेरे हर छोरे हर आदमी तेरे तरह भागते थे, बड़ी मुश्किल से समझाए ये बात है, और तेरी गलती थी, तो शुरू शुरू में तू ऐसे पूछ रहा हूँ, तो मेरे ऊपर गाले ना, तो मेरे समाज के ऊपर क्यों गाता है शुरू शुरू में, तू छाछ प्याज पता नहीं क्या है गाना पे, इस वजह मेरे को चोरी की बात गानी पड़ती है तुम्हारी, क्या बात है देने जगह सियासी की 70,000 के आसपास पूछ रहा हूँ, 1,00,000 के आसपास तू ग्राउंड में तू बा और मैं बा, तो मेरे घर से मेरे समाज तुझे क्या मतलब, तो सिंगर वाला श्लोक मेरे साथ कर, मैं तेरे साथ कर रहा हूँ, जब तू गाना चाहता है तो भाकी गुजर जाती की बात क्यों लेके आता है, ज्यादा करेगा दे करेगा गुजर पटड़ी उखाड़ दे, अरे तो वो तो पटड़ी उखाड़िया कड़ा कोई लान तोड़िया, तेरे को क्या मतलब, तो मेरी बात करे ना स्टेज में हूं, शुरू शुरू में सब दुनिया को पता दोस्तों, अगर गुजर समाज के ऊपर सॉन्ग पहले इसने गाया था उठते हैं, ये तुरंत उतरता है इस नकटाई पे, नकटाई के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है, अगर ये खली बंद हो जाए ना लोग बाग इसे बंद कर दे, तो खाट आड़ो खाट पर पड़े पड़े खूब गुड़ बकरे काम है, खाए भी कौन फिर कहीं करोगे, आदमी पब्लिक ही दो डटा कौन कहीं करोगे, कुछ भी नहीं कर सकता तू, तू तो सिर्फ ये भाई थोड़ी बहुत टक्कर लगा लेता है इसलिए चल रहा है, कुछ भी नहीं मेरे भाई, ये टक्कर का प्रोग्राम जिस दिन बंदा जाए तो घर बैठ जाएगी तेरे पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं यार, मेरे को जाने दे यार, अरे तार जिम्मी कौन है, तार दादा भी
यही है सब कुछ है। मैं तो काम करता हूँ, मैं तो खेतों में काम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, हर चीज खेतों में काम करता हूँ, सब काम करता हूँ। आज मैं फ्लैट बिल्कुल नहीं रहता हूँ, सब मैं साफ बताता गुजर और मीणा वाटी के दोनों आदमियों के दोनों पार्टियों के सिंगर है ना, जैसे मेरी समाज के उसी समाज के, मेरा गाना वाना दोनों सब कुछ अलग ही है। ये तो जबरदस्ती उठ उठ पड़े मैं छाती में गाय करूँ, मैं तो अलग हूँ। और मैंने तो भाई मेरी बात सुन, तू कहता ना रात क्या करता था मीणा शैली को क्या जाने। मीणा वाटिक में गांडू मैंने सॉन्ग चला दिया 14 फरवरी वाला, देख लेना यूट्यूब खोल के, वो मीणा वाटिक की। इससे ज्यादा मीणा वाटिक तू नाथा की नहीं है गाँव जगह, तू अलग गाँव जगह और ही बात करता है। बोल देव महाराज की जय। मेरी बात सुन तू, अब मेरी समाज में डीजे किंग बहुत हो गए और वो जाएंगे, अब तेरे को छुट्टी तो बोलो आज के बाद में। मैं तेरे को बता रहा हूँ अब तो अकेला ही डोलूंगा, तो मेरे को मरवा देना। खाली मेरी मावसी रही था, मैं उधर जाऊंगा, मैं आ जाना तेरे बाहर निकाट के बाहर निकलूंगा, मरवा देना तू छोटे छोटे छोटे। अरे कभी तेरे को लाज नहीं आती छोटे छोटे बालकों के साथ में टक्कर में गीत गाता रहता, तो उनको कोई भजन सीखने थे दुनिया की जो गुताने ये लखन सका दी भगवान भैया लड़ता है जाजू फासला सुन भाइयों। ये सबको पता है बाबा गैंग का गुंडा है, कई बार कमलेश के साथ भी कुछ कराया हुआ है। और तेरे को ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, मेरी बात सुन तू, मेरे इतने ग्रुप चल रहे हैं जिनको मेरे खुद को पता नहीं, और तेरा एक ग्रुप चल रहा है उसमें तू कमलेश चिनोलिया ग्रुप उड़ा दिया तूने, नहीं उड़ाया गया जिसने ग्रुप पक्का को तो खुद को पता नहीं मेरे क्या चैनल चल रहे हैं, क्या फेसबुक पे चल रही है, क्या ग्रुप चल रहे हैं मेरे। मार जितना ग्रुप हो तो रोज ना लट ले जाओ लड़वा, सबने बंद कराओ तो। जब ये तो भगवान को तो पता था वही गुंडा कुछ ना कुछ मिस्टेक करेगा, जब तेरे को डीजे किंग का गुण भगवान ने दिया ही नहीं, दिया है लड़ाई के शुरू से, तू लड़ाई का सॉन्ग गाता है, लड़ाई का गाता रहेगा। जो नाम कमाने वाले तो कमा गए, कभी बहादुर सिंह भी पुराने पुराने कलाकार सब कमा गए, विष्णु मीणा राजू हर कमलेश दो लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं वो, और मैं बता रहा हूँ जो लोग। और तू रोते ही फिर माधुपुरी कहता है मेरे बहुत समाज के बहुत कलाकार हो जो जाले गा लेते हैं मेरी क्या जरूरत, देखा तूने आज तो कोई मंडा में रो रहे मेला में रो रहे छावड़ी विषय का होता तो जो बड़ा माया तो मीणा समाज वाले वहाँ तेरे वहाँ पीटे होते तारी माई कसम कार कहते चलते वो डोकर थे ना डटे कौन जो बड़ा में तारी समाज को भाई ईशा गीत मत गा और भजन गा, क्योंकि मन ध्यान से कास्ट का वो तेरे होगा लेकिन हमारे इलाके में तेरी शैली नहीं चलती, भजन चलते हैं वहाँ। फिर मैंने भजन गाया था चेतावनी, तेरे को याद गलत चित्र याद नहीं होते ऐसी बात है, इसे कुछ भी नहीं होगा। बोल चांडू माता की जय। माधोपर की अड़ा गिड़ा में ढोल तोरे चे, माधोपर की अड़ा गिड़ा में ढोल तोरे चे, मारे आदन तक समझ में को आई तू कौन सा गीत गावे चे, कौन सा गीत गावे चे। गुजर सो मिलनो है तो तू मेलो लगा लीजो, गुजर सो मिलनो है तो गांडू मेलो लगा लीजो, तारलर चौड़ा काना का दो पिल्ला आवे च वान भी साथ में लिया जो, वान भी साथ में लिया जो। बैपुरी के माई तोने जूता खाया जे, बैपुरी के माई तोने जूता खाया जे, और दूसरे दिन लाइफ में गांडू फाल तुम झूठा रोज रोया जे, झूठा रोज रोया जे। मैंने गाया चे जखनी मैंने गाया चे जख्मी सा तू जात जाने चे, मैंने गाया चे जख्मी सा तू जात जाने चे, मारा गाना ने सुन ताई तो उंडा गाव बिरजा चे, उंडा गाव बिरजा चे। अड़गे अड़गे माधोपुर में ढोल रियो क्यों चे, अड़गे अड़गे माधोपुर में ढोल रियो क्यों चे, गाना स्टूडियो में जार गावन जेबा काट रियो क्यों चे, जेबा काट रियो क्यों चे। ये बात है भाई, बोल देव महाराज की जय। अरे मंदरा दी होना तेरे को चैलेंज देता, मैं तेरे को कर रहा हूँ और भी कहेंगे
बंद करो इन लाइव ने बंद करो एक मिनट।